गुड मॉर्निंग। मैं एक ट्रेड को इनिशिएट किया हूँ, ग्रासिम कौन सा रिलायंस को, सॉरी ग्रासिम को। तो मैं उसको नोट हूँ, वो एक अच्छा खासा मोमेंट दे दिया है। ओके ग्रासिम ये वाला, ओके एग्जैक्ट यही लेवल से इसका एंट्री था। मैं 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस में इसका कर रहा हूँ। अगर इसका टारगेट देखते हैं हम, शायद एटलीस्ट तो ये अनदर 15 पॉइंट्स का मूव होना चाहिए, देखेंगे। हाँ इसमें तो 1:6 का हो गया ट्रेड। हाँ ये क्यों ट्रेड था अभी थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनफैक्ट ये दिन पे इसमें एक डिलीवरी ब्रेकआउट आया था, ये दिन पे एक डिलीवरी ब्रेकआउट आया था। ओके मैं सब कुछ हटा देता हूँ, इसमें एक डिलीवरी ब्रेकआउट आया था। तो नेक्स्ट डे मतलब 3P का लेवल के कारण से ये लेवल के नीचे खुला, ऊपर नहीं जा पाया, वो उधर से ब्रेक इन साइड होकर नीचे आ गया था। आज इसका जो ओपनिंग है इसके स्ट्रॉन्ग था, सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मुझे यूज़ करना है तो व्हाट आई कैन यूज़, जब ये गिरा था ना, ये इधर से गिरा था तो इधर एक सपोर्ट फॉर्म करके ये नीचे गिरा था। आज का ओपनिंग स्ट्रांग है तो वो लेवल से ऊपर जाना चाहिए, वो कारण से मैं ये सपोर्ट को बाइक किया हूँ। ये ऊपर जाना चाहिए, अनदर 15 पॉइंट्स का मूवमेंट इसमें मिलना चाहिए, देखेंगे कितना मिलता है। ओके रिलायंस में भी एक इम्पोर्टेंट लेवल था। अगर हम देखते हैं माइक्रो एनालिसिस बोल के एक वीडियो डाला हूँ, उसको देख लेना। जब इधर गिर रहा था ये सपोर्ट को, इधर सपोर्ट को ब्रेक करके ये नीचे था। आज इसने इसको ब्रेकआउट किया है, मैं ए लेवल को सिर्फ 2 क्वांटिटी को इसमें खरीदा हूँ। ओके तो ये है आज का ट्रेड, निफ्टी ऊपर जाना चाहिए। बाद में हम क्लास में हम जब डिस्कस कर रहे थे सिप्ला 18 के ऊपर खुलना चाहिए बोल के, करेक्ट। ओके ओपन है 18 के ऊपर, तो सटीक से लेवल से ऊपर है, इधर से ही इसका बाइंग होगा। बाद में और एक था UPL, UPL किधर है, ओके UPL में इसका मूवमेंट आज अपसाइड में होना चाहिए। ये ब्रेक इन साइड लेवल है, 82 को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि 89 पे एक लेवल था, तो ये लेवल पे मॉनिटर करके आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ओके ये था आज का ट्रेड, तो देख लो कितना तक जाएगा। इनफैक्ट ये कौन सा है, ग्रासिम में अगर इधर डिस्ट्रीब्यूशन होके ऊपर जा रहा है, तो मान लो ये ऊपर जब ऊपर उठ रहा है तो प्रीवियस जो स्विंग है एटलीस्ट 80 को तो टच करना। मैं 80 पे इसको बुक करने का कोशिश करता हूँ, मतलब और कोई रेजिस्टेंस नहीं है भाई। इधर से गिरा था ना, इट इज़ ऑन 21st से देखेंगे थोड़ा, 21st में देखेंगे थोड़ा, 21st ये तो हाई वोलेटाइल कैंडल है। ओके इधर तक तो जाना ही है सर, 78 तक तो ये इसको जाना ही है, उसके पहले तो ये नीचे नहीं आ सकता। इधर एक लेवल है, ओके 68, नो प्रॉब्लम, ये इधर के जाके ये लेवल को ब्रेकआउट करेगा। इसका जो कमोडिटी है ये मतलब ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, तो नीचे नहीं गिरना है इसको, ऊपर जाना चाहिए, देखेंगे कैसे होता है। ओके 73 एक हर्डल है रिलायंस को, ब्रेकआउट करना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। ओके लेट्स सी, हाँ फाइन भाई मिलते हैं कल। ओके 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस में इसको कर रहा है, अगर गया तो 1000 रुपीज़ जाएगा, देखेंगे कितना मिलता है क्या है। हाँ चलो वी विल मीट टुमारो।